सो वीडियो देखने से पहले हम आप सभी को एक चीज के बारे में बताना चाहते हैं। जैसा कि हमने आप सभी को पहले बताया था कि हम मेरा वीडियो हर फ्राइडे को निकालेगा एवरी वीक, तो इस हिसाब से मेरा एक महीना में चार बार वीडियो निकलता है। तो पर अभी क्या हो गया ना, हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो का जो कंटेंट ढूंढने, एडिट करने, ये सब चीज़ में, क्योंकि वीडियो का कंटेंट शूट करना ढूंढना में दो दिन लग जाता है एंड उसके बाद फिर उसको एडिट करने में चार पांच दिन लग सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास वीडियो अच्छे से एडिट करने का समय भी नहीं है, तो हम जो चीज़ हड़बड़ी में करेगा वो चीज़ इतना अच्छा होता नहीं है। तो इसीलिए हम सोच रहा था कि हर ऑल्टरनेटिव फ्राइडेज को हम मेरा वीडियो निकालेंगे, एक फ्राइडे निकालेगा फिर उसके बाद दूसरा फ्राइडे नहीं निकाल के उसका नेक्स्ट वीक का फ्राइडे में फिर एक वीडियो निकालेगा। बट फिर और इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर हम फ्राइडे को सिर्फ निकालते रहेगा तो कभी कभी कुछ कंटेंट होते हैं जो हमको मिड में मिल जाते हैं, संडे का चीज़ होते कुछ, तो उसको हम फिर फ्राइडे को रुकते रहने से वो चीज़ जो क्या है थोड़ा स्टाल हो जाता है, पास ही हो जाता है। तो इसलिए हमने एक फैसला लिया है कि मेरा मिनिमम वीडियो होगा 2 वीक्स में 1 वीडियो, और मैक्सिमम तो चाहे जितना जा सकते मेरे पास कैपेसिटी उतना ले जाएगा, बट मिनिमम मेरा चैनल में वीडियोस होगा कि 2 वीक्स में 1 वीडियो, तो वो वीडियो कभी भी निकल सकता है। तो इसलिए हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा के जाओ, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा वीडियो निकल चुका है। तो यही मेरा डिसीजन है। तो अगर हम मेरा वीडियो एडिटिंग में जल्दबाजी करेगा तो आपको फिर वीडियो का कंटेंट इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा एंड बहुत जल्दबाजी वाला लग जाएगा, तो इसलिए हमने आपसे ये टाइम मांगा। तो आई होप कि आप मेरा परेशानी को समझ पा रहा होगा, क्योंकि हमको काम भी करना पड़ता है एंड एडिटिंग भी करना पड़ता है। सो आई एम सो सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। सो अभी आप लोग मेरा एक वीडियो को देख लो। सो व्हाट्स अप पीपल, वेलकम टू सराय डिजिटल नेटवर्क। तो आज हम जा रहे हैं टुवर्ड्स रूपा, क्योंकि हमको लेना है एक नया फ़ोन, क्योंकि मेरा जो था आईफोन उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया जिससे हम वीडियो रिकॉर्ड करता था। तो आपको शायद मेरा वीडियो का क्वालिटी से थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्वालिटी में थोड़ा ड्रॉप आया है। तो अभी मेरे पास इतना बजट नहीं है कि हम वापस आईफोन लो, बट आई विल टेक समथिंग, एक अच्छा स्मार्टफोन हमने देखा है उससे हम वीडियो शूट करेगा अभी से, क्योंकि आप लोग भी हमको इतना प्यार दिया है तो मेरा भी फर्ज बनता है आपको क्वालिटी देने के लिए। देखो आप लोग के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आई होप कि हमको थोड़ा बहुत और सब्सक्राइबर्स मिलेगा, तो पहुँचा दो हमको 1000 सब्सक्राइबर्स। तो सबसे पहले हम लोग गाड़ी स्टार्ट कर लेगा, उसके बाद हम लोग जाएगा त्रिवाद रूपा। तो यहाँ पे है मेरा गाड़ी, इसको उस दिन ही धुलाया था, बट पूरा धूल हो गया। अब क्या करेगा, टेंगा बाजार में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वी विल नीड टू इस धूल के साथ चलना ही पड़ेगा। सो अब गाड़ी को कर देते हैं स्टार्ट एंड लेट्स सी। यहाँ पर जब तक ये 6 बीप आपको सुनाई नहीं देते तब तक आप गाड़ी को स्टार्ट मत कीजिए, ये इसका एक सेफ्टी मेजर है। तो नाउ लेट्स फायर इट अप। मैं अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो वहाँ में ये एक वार्निंग लाइट जल के बैठा है, ये जो ये है आपको एयरबैग का लाइट। इसके लिए हमने हमारा जो तेजपुर का जो हिंडाई था उनको कॉन्टेक्ट किया था, तो उन लोग ने हमको बोला था कि गाड़ी को आप तेजपुर लेके आइए, बट अभी आप जानते ही लॉकडाउन है तो इतना इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवलिंग नहीं हो रहा है। सो अभी थोड़ा दिन के लिए मैं से मैनेज कर लेगा एंड आफ्टर दैट विल सी। तो अभी हम आया है टेंगा बाजार में, हमको जाना है एटीएम से निकालना है हमको कुछ कैश एंड देन विल हेड टुवर्ड्स आवर जर्नी। ये है टेंगा बाजार का एटीएम। सो फाइनली आई हैव गॉट द कैश एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स रूपा। सो अभी चलते हैं रूपा का तरफ। सो अभी हम पहुँच चुका है रूपा, और अभी हम मोबाइल का थोड़ा खोज करना पड़ेगा, वी नीड टू सर्च। सो मिलने के बाद आपको बताएगा। सो फाइनली हमको मोबाइल मिल गया, यहाँ आप देख सकते हैं मेरा हाथ में है ये मोबाइल। तो अभी घर जाएगा और वहाँ में हम आपको दिखाएगा हमने क्या लिया है। सो लेट्स गो होम। सो यप गाइस, ये है मेरा मोबाइल जो हमने लिया है। तो अभी पहले सबसे पहले इसका करना पड़ेगा हम लोग अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग से पहले हम दिखाएगा आप लोगों को हमने क्या मोबाइल लिया, तो उसको देखेगा हम लोग एक सिनेमैटिक शॉट के साथ। सो आर यू रेडी, देन लेट्स गो। तो अभी हम लोग करेगा सैमसंग M21 का अनबॉक्सिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इतना प्रोफेशनल तो नहीं है, बट फिर भी। तो ये बॉक्स में हम लोग का सबसे पहले आते हैं सेलफोन, और यहाँ में है सिम इजेक्टर टूल एंड यहाँ में है कुछ पेपर वर्क। इसके अंदर आप देख सकते हैं मैनुअल होगा, कुछ बिल्स एंड ऑल, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग साइड में रख देगा। एंड ये है हमारा सेलफोन, इसके पास हम लोग बाद में आएगा, पहले हम लोग देख लेगा कि बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको मिलता है सैमसंग की तरफ से चार्जर,
एंड उसके बाद यहाँ पे है इसका चार्जिंग केबल, ये आप देख सकते हैं। इसमें एक बहुत ही दुख का बात यह है कि सैमसंग ने इसमें एयरफोन नहीं दिया है, क्योंकि सैमसंग हर एक प्रोडक्ट में एयरफोन देते तो इसमें नहीं दिया। तो हम वही सैमसंग वाला से पूछना चाहते हैं कि वाई सैमसंग इज़ ट्राइंग टू बी वन प्लस, ना आपको एयरफोन्स प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये है हमारा सेल फोन, तो इसको क्विकली हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से, निकल जा। तो ये है हमारा सेल फोन, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ट्रिपल कैमरा है, यहाँ पे एक स्टिकर होता था, हमने इसको निकाल लिया। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ में है इसका, यहाँ में है, यहाँ में वॉल्यूम बटन, पावर बटन, ऊपर में कुछ भी नहीं है, साइड ये भी खाली है। एंड यहाँ पे है इसका स्पीकर, और यहाँ पे इसका चार्जिंग सॉकेट, और ये है द मेन थिंग जिसका वजह से हमको ये फ़ोन सबसे ज़्यादा पसंद आया, ये है इसका 3.5 mm जैक। तो ये था हमारा जो सैमसंग का फ़ोन, तो ये हो गया अनबॉक्सिंग। तो ये फ़ोन को हमने पूरा दिन यूज़ किया, एंड इसके बाद हम आपको थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि ये फ़ोन में क्या अच्छा है। देखिए ये फ़ोन में जो भी अच्छा है या ख़राब है, हम इसको आपको सिर्फ एक ब्लॉगर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे कि आप अगर इससे ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले अच्छा हमको इसमें ये लगा कि इसका जो वीडियो है इसमें आप वाइड एंगल भी ले सकते हैं, जैसे कि हम अभी आपको मेरा आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वाइड एंगल व्यू कितना है। पहले से आप कंपेयर कर सकते हैं, जब हम मेरा वीडियो करते थे पहले कितना आपको दिखाई देता था, अभी कितना, तो इसमें आप कंपेयर कर सकते हैं। इसका जो सेकेंड चीज़ हमको अच्छा ये लगा है कि इसमें जो वाइड एंगल है इसमें ऑटोमेटिक एक स्टेबलाइजर है, जिससे कि क्या है कि आपको वीडियो में स्टेबलाइजेशन या कुछ भी सॉफ्टवेयर से लगाने की जरूरत नहीं होता है। तो इसको हमने जब शूट किया था गाड़ी में रखते तो इसका बहुत अच्छा से आया था इसका स्टेबलाइजेशन, तो ये चीज़ हमको अच्छा लगा एज ए ब्लॉगर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड सेकेंडली जब हमने अनबॉक्सिंग किया था उसी समय हमने आपको बताया था कि इसका जो यहाँ में 3.5 mm जैक है ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, इसमें आपको कोई लाइटनिंग केबल लोक का झंझट नहीं है। इसका वजह से क्या होगा कि आप सीधा सीधी माइक इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। जो मेरा रिसेंटली जो हम यूज़ करता था मेरा आईफोन, उसमें क्या था कि लाइटनिंग केबल यूज़ करना पड़ता था, तो उसका वजह से क्या हमको बहुत तकलीफ होता था, उसमें माइक काम नहीं करता था, तो इसलिए अभी हमने इसको लेना पड़ा। तो इसलिए एंड तो ये फ़ोन है, इसका जो एक बैटरी लाइफ है, इसका बैटरी कैपेसिटी है 6000 mAh मेरे हिसाब से, हाँ 6000 mAh है। देखिए गेमिंग के बारे में हमको इतना मालूम नहीं, क्योंकि हम ये गेम के लिए तो यूज़ करने वाला है नहीं, सो ये सिर्फ एक ब्लॉगिंग पर्पज़ के लिए हम यूज़ करने के लिए लिया है। सो ये चीज़ हमको अच्छा लगा इसमें। एंड सैमसंग का बात बोलेगा तो सैमसंग का जो पिक्चर क्वालिटी होता है वो हमको पहले से हमेशा पसंद आते रहा है, क्यों बोलने से मेरा पास इससे पहले J7 भी था, फिर उसका जिससे हमने आज सुबह ब्लॉग किया आपके लिए वो है ये J5, ये इससे हमने ब्लॉग किया था। तो सैमसंग का जो एक फ़ोटो क्वालिटी में एक ऐसा होता है कि आपको सैमसंग एक रॉ फ़ोटो दे देते हैं, रॉ बोलने से लाइक जैसे कि आप उसको आप बाद में जाके अपना वे से एडिट कर सकते हैं, एंड इट विल नॉट लुक ओवर सैचुरेटेड समथिंग लाइक दैट। हम आपको समझाएगा, जैसे कि आपको अगर ड्राइंग बनाना होगा तो आप ओब्वियसली व्हाइट पेपर में बनाएगा ना, येलो पेपर ग्रीन पेपर में नहीं बनाएगी, क्योंकि जब आप येलो या ग्रीन में बनाते हैं या जो भी बाकी कलर पेपर्स में बनाते हैं तो उसमें कलर लोग जो उसका एक्चुअल कलर नहीं आते, कुछ ना कुछ डिफरेंट आते हैं। पर सैमसंग का इसी में एक फ़ोटो क्वालिटी का यही एक सबसे अच्छा है कि इट गिव्स यू अ रॉ फोटो जिसको आप बाद में जाके एडिट कर सकते हैं। मेरे पास आईफोन भी था, उसमें भी हम फोटोज़ खींचता था, तो उसमें क्या है आपको एडिट करने के इतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, मीन्स यू कैनॉट लाइक एडिट टू मच बिकॉज इट्स ऑलरेडी एडिट्स परफेक्ट और ना, सो इतना आपको एडिट करने की जरूरत नहीं होता है, जिसको आप ज़्यादा और रिटच नहीं दे सकते। तो यही कुछ था हमको ये फ़ोन के बारे में अच्छा लगा। तो अगर आप भी व्लॉगिंग करते हैं तो ये फ़ोन बहुत अच्छा है आपका बजट में, ये आपको 16000 to 17000 के बीच में मिल जाएगा। एंड इफ़ यू हैव सम मोर बजट देन यू कैन गो फॉर M31, जो वो भी बहुत अच्छा फ़ोन है सैमसंग का। तो देखिए आप सभी के लिए हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है आपको क्वालिटी देने के लिए, तो मेरा भी हक बनता है, तो प्लीज़ मुझको जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स पहुंचा दो, ये हमसे रिक्वेस्ट करते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, एंड टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड साइनिंग ऑफ सराय डिजिटल नेटवर्क। Hello guys, hope you guys enjoyed the video. Don't forget to subscribe to the Sarai Digital Network channel and also hit the bell icon. Also follow us on Facebook and Instagram. Thank you. Signing off.